बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टी वी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा मीडिया हाई पे बन चुकी है, ICC पे प्रेशर डेवलप होना शुरू हो चुका है, क्योंकि 20 नवंबर तक जो है वो ICC को अपने स्केजुअल का ऐलान करना है। और अगर 20 नवंबर तक अगर ICC ने अपने स्केजुअल का ऐलान नहीं किया इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, तो उसको कानूनी का चाराजोई का सामना जो है वो करना पड़ सकता है, क्योंकि BCCI का जो प्रेशर है वो ICC को इस ऐलान से अब तक बाज रखे हुआ है। और जहां जहां क्रिकेट खेली जाती है, जहां जहां क्रिकेट से प्यार किया जाता है, क्रिकेट लवर्स मौजूद हैं, सब के सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या भारत की टीम पाकिस्तान आएगी और ये ऊँट जो है वो किससे करवट बैठेगा। आज के शो में हम इसको डिस्कस करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान सीरीज का पहला T20 मैच कल ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। और जिस तरह पाकिस्तान ने वनडे सीरीज अपने नाम किए, पाकिस्तान की टीम से तवक्कात काफी हद तक बढ़ चुकी हैं। दोनों टीमों के दरमियान अब तक माजी में जो है वो 25 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं। पाकिस्तान का पलड़ा यहां पे भारी नजर आता है। पाकिस्तान ने 12 T20 इंटरनेशनल मैचेस में कामयाबी हासिल की है। 11 मैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे, एक मैच टाई हुआ और एक मैच का नतीजा सामने नहीं आया। तो अददी तौर पर पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल है, लेकिन होम सॉइल पे और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के सामने ये एक मैच की बर्तरी कोई हैसियत और कोई मायने नहीं रखती। अब देखना ही है कि टीम पाकिस्तान कल के अंदाज से खेल का मुजाहरा करती है। आज के शो में बहुत कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच कल ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। पहला T20 बारिश से मुतासिर होने का खदशा। ब्रिस्बेन में शाहीनों की तवील प्रैक्टिस, बॉलर्स, बैटर्स और फील्डर ने जमकर मशकें की। कोचेस ने खिलाड़ियों को कैंगरूज की खामियों और खूबियों से आगाह किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में भी फतह अव्वलीन तरजीह है। जो टीम के लिए बेहतर होगा वो फैसले करेंगे। उम्मीद है भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी। ICC ने नई प्लेयर रैंकिंग जारी कर दी। बैटर्स की रैंकिंग में बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार। बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन आफरीदी 3 दर्जे तरक्की के बाद नंबर 1 पोजीशन पर आ गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वनडे रैंकिंग में शाहीन और बाबर को पहली पोजीशन हासिल करने पर मुबारकबाद। भारत खेल दुश्मन पॉलिसी से बाज न आया। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम को NOC जारी नहीं की। श्रीलंका ए ने पाकिस्तान शाहींस के खिलाफ पहले 4 रोजा मैच की दूसरी इनिंग्स में 9 विकेटों पर 364 रन बना लिए। मेहमान टीम को 221 रन की मजमुई बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने 3 मुल्की टूर्नामेंट में UAE अंडर 19 को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी हीरो और स्नोकर चैंपियन का फैसलाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। किसी से कोई तवक्को नहीं, मैं मुल्क के लिए खेलता हूँ, पैसे के लिए नहीं। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़। और टॉप स्टोरीज़ में आपने बहुत सारी खेलों से जुड़ी खबरें देखी। आपने देखा कि स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ जब फैसलाबाद पहुंचे हैं अपने होम टाउन, तो उनका क्या फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। लेकिन साथ साथ आसिफ शिकवाकना भी नज़र आए और उन्होंने कहा कि वो तवक्कात जो उनको अरबाब इख्तियार से है वो कभी भी पूरी होती नज़र नहीं आ रही, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो इसी तरह से तमगे और मेडल हासिल करते रहेंगे। लेकिन जहाँ तमगों की और मेडल की बात आती है, तो वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद हैं कि जब अपने प्रोफेशनल जिम्मेदारियों में थे, तो वहां पे उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े कारहाए नुमाया अंजाम दिए। जब चेयरमैन PCB बने, तो उन्होंने वो डायनेमिक्स सेट किए कि जिनको अगर फॉलो किया जाता तो शायद आज पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट में राज करता नजर आता। जो पर्सनली मुझे उनका सबसे अच्छा स्टेप नजर आता है वो ये है कि उन्होंने खिलाड़ियों की ग्रूमिंग के हवाले से बड़ी तवज्जो दी थी, अकेडमीज का कल्चर लेकर आए थे, साथ साथ किस तरह से खाने पीने के आदाब होते हैं, मैनर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस, एक पूरा एक कल्चर लेकर आए थे खिलाड़ियों को डेवलप करने के लिहाज से। इसके साथ साथ जो उन्होंने ग्राउंड बनाए थे वो इनका एक ऐसा स्टेप था कि उसको बाद के आने वाले चेयरमैन अगर फॉलो करते तो शायद आज पाकिस्तान ना दुनिया क्रिकेट पे राज कर रहा होता। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेबल और बहुत ही हमारे लिए ऑनरेबल जनाब चेयरमैन PCB, फॉर्मर चेयरमैन PCB तौकीर ज़िया साहब, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तौकीर ज़िया साहब हमारे साथ एक दफा फिर मौजूद हैं, और जिस तरह क्रिकेट के मामलात चल रहे हैं, मुझे याद है मेरे एक शो में इन्होंने बहुत पहले जब हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही थी, जब न्यूट्रल वेन्यू की बात हो रही थी, उस वक्त इन्होंने 2 टोक कहा था कि अगर इंडिया नहीं आता तो ना आए, हमें भी उससे खेलने की जरूरत नहीं है। और अब यही फैसला कर चुकी है हुकूमत पाकिस्तान। सर क्या कहेंगे इस स्टार्स के हवाले से?
देखो अभी मतलब मेरा मौकफ तो हमेशा से यही रहा है कि आप उनके साथ हमें सलाह मशवरे से तो रहना ही चाहिए, अमन से रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। देखो मैं पहले भी कहता था कि अमन या जंग का सबसे बड़ा किसको तकलीफ होती है वो फौज के लोग हैं, जो उन्होंने जान देनी होती। पहला जंग तो लड़नी नहीं चाहिए और मैं समझता हूँ कि वो उनका दिमाग इतना ज्यादा असल में खराब हो गया वो आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि वो क्रिकेटर्स की मैं बात नहीं करता हूँ, क्रिकेटर्स आपको पसंद करते हैं, आपके लोग उनको पसंद करते हैं। ये जो उनकी जमन की आजकल जो सरकार है उन्होंने ये कहा हुआ कि वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई बहाना बना दो पाकिस्तान को नीचे दिखा दे। सही, लेकिन आपको लगता है कि वहाँ पे इलेक्शन भी हो रहे हैं तो कुछ इलेक्शन कैंपेन का भी हिस्सा हो सकता है कि उनकी तो जो पूरी कैंपेन चलती ही पाकिस्तान मुखालिफ नारे पर है? देखो जी पहले दो तीन साल पहले तो उनके इलेक्शन जब नहीं हो रहे थे उस वक्त भी उनके यही स्टांस था, जब मैं चेयरमैन था 2000 वगैरह में तो उस वक्त यही स्टांस था, लेकिन वो चूंकि उनका चेयरमैन बहुत अच्छा था जगमोहन डालडिया, गवर्नमेंट चला गया, उसकी बड़ी कोशिश की, लेकिन जब तक आपकी गवर्नमेंट आपको इजाजत नहीं देती है उनके लोग आपके पास आएंगे ना आपके लोग उनके पास जाए। लेकिन हम लोगों के हमारे गवर्नमेंट का हमारे लोगों का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि हम हमेशा जाके इंडिया में खेलते, इंडिया इधर नहीं आता। और मैं अब भी यही कहूंगा वो नहीं आएंगे, मैं बहुत दफा कह चुका हूँ वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनको आने नहीं दे और ये भी डरे हुए हैं। इसलिए मेरा ख्याल इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा डिस्कशन करना अपने आप को नीचे दिखाने के है और इंडिया को मतलब ऐसे हम लोग सर पे चलाया हुआ, मेरा ख्याल इसके ऊपर हम बंद ही कर देनी चाहिए बात, क्योंकि वो नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो गवर्नमेंट की मर्जी से आएंगे वरना नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन ये सर आप समझते हैं कि इससे फिर आईसीसी में भी एक प्रेशर आ रहा है, क्योंकि जब दीगर ममालिक की टीमें आके पाकिस्तान खेल रही हैं तो फिर इंडिया को आने में क्या कब आते हैं, और इंडिया अगर हीले बहाने कर रहा है तो फिर आईसीसी भी प्रेशर आएगा, क्योंकि अभी 20 नवंबर तक उनको जो स्केजुअल का ऐलान भी करना है। देखो जी वो आईसीसी के ऊपर वो आपको दिखाने के लिए और वो अपना प्रेशर लेते हैं, लेकिन अंदर से उनको कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि आईसीसी चलता ही इंडिया के पैसों के जोर पे है और ये इंडिया को मालूम है, वो आपको मालूम है जब भी बिग थ्री बने थे तो उसमें वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे लोग जो है वो इंडिया के साथ शामिल हो गए, हालांकि आपको मालूम है घोड़ा हमेशा सब कॉन्टिनेंट में बातचीत उनकी रही है, तो वो गवर्नमेंट जब कहेगी तो आएंगे वरना नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन इससे ठीक है एक हद तक पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, क्योंकि मुझसे बेहतर आप जानते हैं बात है कि जो कमर्शियल पार्टनर हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर हैं, जिनके पास राइट्स होते हैं, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से ही रेवेन्यू जनरेट करते हैं, अगर पाकिस्तान को 60-70% नुकसान होता है तो 25-30% तो इंडिया को भी नुकसान होगा। देखो अली बात यह है कि जब 2004 में जब इंडिया पाकिस्तान आया था तो चूंकि मैं 2003 में रिटायर जब होने वाला था तो मैंने एशिया क्रिकेट काउंसिल के मैं चेयरमैन था, मैंने बीसीसीआई का जो एक्स चेयरमैन था जगमोहन डालडिया उसको मैंने अपने एशिया क्रिकेट काउंसिल में एक फाइनेंशियल पोस्ट दी, और वो हमारा एक दूसरे के साथ इतना रेपो था कि वो हर चीज मानने के लिए तैयार, बहुत उसने कोशिश की, तो प्लान हमारा 2003 में बन चुका हुआ था कि इन लोगों ने पाकिस्तान आना। हमारे पास मुझे याद है अली कि जब मैं क्रिकेट बोर्ड में आया था तो 48 करोड़ रुपया क्रिकेट बोर्ड में था, और ये अकेडमी वगैरह भी जैसे मैं मैंने बनवाई लोगों अब अपना शारजा वगैरह के साथ मिलके, और जब मैं निकला हूँ तो 72 या 78 करोड़ थी, लेकिन 2004 में जब इंडिया आया तो अली आपको मालूम है कि उन्होंने कितना पैसा पाकिस्तान ने कमाया, 104 करोड़ रुपया पाकिस्तान ने उस ब्रॉडकास्टिंग वगैरह से मिला, तो ये वैल्यू है पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीमों के मैच खेलने की, लेकिन उनको भी ये मालूम है हमें किसी के आगे कोई हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अपने पांव पे खड़ा होने की जरूरत है, अभी हम ठीक है लोग कहते हैं हम आईएसएफ से पैसा मांगते हैं, ये करते हैं सऊदी अरेबिया से मांगते हैं, चाइना से मांगते हैं, तो उसके ऊपर ये सर पे चढ़ा हुआ है, तो ये बहुत बड़ा मुल्क है, इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस तरीके से चीजें नहीं चलती, आप सारी उम्र जंग के हालात में नहीं रह सकते, ना वो रह सकते ना पाकिस्तान रह सकते, बिल्कुल सही, इसलिए मेरे ख्याल गवर्नमेंट को अप्रोच करना चाहिए मोहसिन नकवी को कि उनको बताए कि वो अपने टर्म पे करे, आईसी अपना जो चेयरमैन है पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का उसको बिल्कुल उनके नीचे लगने की जरूरत। ठीक है, लेकिन सर इसमें कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि ठीक है इंडिया की एक हठधर्मी है, एक जिद है, एक उनकी झूठी अन्ना है जिसके खोल में वो बंदे, वहीं कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं, जो फैसला साज रहे हैं, उन्होंने भी जो है वो
इंडिया को तकवीत दी है कि इंडिया की ग्रांट नहीं आएगी तो पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, इंडिया जो है वो हमें सपोर्ट करता है, इस किस्म के बयान से भी तो उनको जो हवा मिली है। अखिली आप मुझे बताओ कि जब से इंडिया में पाकिस्तान आना छोड़ दिया हुआ है, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट या पाकिस्तान के लोग जो भूखे मर रहे हैं, वो भी जो कमाए रहे हैं ना, वो आईसीसी का पैसा मिलता है, इनको अपने स्पॉन्सर से पैसा मिलता है, तो हम इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के पैसों से ले दिए, मतलब ये है कि अगर मतलब ये है तो फिर जो गुलाम बन जाए ये नहीं हो सकता। तो आईसीसी जो है वो प्रेशर में जरूर होगा, लेकिन वो उनकी जरूरत भी है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच करवाए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच से उनकी सीरीज में उनके सबसे ज्यादा पैसा कमा सकता है। लहरा ये टाइम हो सकता है अच्छा आ ही जाए, क्योंकि सारी उम्र जंग भी जा सकती, हो सकता अमन हो। ठीक है, लेकिन सर आपकी तो करंट अफेयर पे भी बड़ी गहरी निगाह है, आप समझते हैं कि ठीक है एक एक तबका है इंडिया में कि जो पाकिस्तान मुखालिफ नारों पे जी रहा है और पल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी तो मौजूद हैं कि जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती अमन का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, कि जो पाकिस्तान के साथ स्पोर्ट्स के जरिए ताल्लुक बेहतर करना चाहते हैं, उनका कोई प्रेशर नहीं आएगा गवर्नमेंट पे? कोई प्रेशर नहीं आता जमीन के ऊपर, किसी के प्रेशर नहीं आता जमीन के ऊपर, प्रेशर आता है सिर्फ जब ये लोग बाहर निकलते हैं महंगाई के खिलाफ, या जब इन लोगों को तकलीफ हो रही है, बिजली भी आती, पानी भी आते, बिल ज्यादा होते, टैक्स ज्यादा होते, ये इंडिया के प्रेशर की वजह से हम लोग उनके नीचे नहीं लगे हुए। बात कहने की ये है कि हमें उनके नीचे लगने की जरूरत भी नहीं है ना भाई, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाएगी? नहीं, चलो इंटरनेशनल क्रिकेट आया, इंटरनेशनल क्रिकेट जो है काउंसिल जो है वो आपको क्रिकेट से दिखा सकती है? नहीं दिखा सकती, इसलिए कि उन्होंने ग्लोबलाइजेशन बताया, पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है आईसीसी के लिए भी, बहरहाल ये चीजें उनकी चलती है। ये जो आप सबसे भी बात कर रहे हैं ना, देखो उनके एक रिश्तेदार से हैं, हमारे लोग उनको बहुत प्यार देते हैं, उनके हर आए दिन कोई ना कोई एक्टर, कोई मतलब जो उसका ताल्लुक ड्रामा या फिल्म से है वो आया होता है, वो बड़ी खुशी से जाता है, एक होगा आप देख लो कैसे आगे वो खुश होकर जाते हैं। तो ये सबका जो है ये आर एस एस वाला शिवसेना वाला ये सबका है ना, ये वो लोग हैं जो कि मेरा मतलब है इस चीज के ऊपर, इन दारों के ऊपर जो है फैक खोल रहे हैं, और उनका डर इतना है लोगों के ऊपर, इंडिया के लोगों के ऊपर, कि वो उनको फिर कहीं गड़बड़ है। इसलिए मैं भी समय तक ये जब तक ये शर्तना या आर एस एस वाले होंगे अपने गवर्नमेंट में, वो चल आपके साथ मुसलमानों के साथ सलूक करने वाले नहीं। ठीक है, डॉक्टर जिया के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इस पर लेकर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्राइम में बात करेंगे कि अब जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है जो स्टेप्स लेने के लिए जा रही है वो किस हद तक जो है पीसीबी उन स्टेप्स को फॉलो कर सकता है, किस हद तक अपने स्टांस पे कायम रह सकता है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट की एक इंतहाकत आवर शख्सियत मौजूद हैं कि जिनकी विजडम से हम मुस्तफीज हो रहे हैं, तौकीर जिया साहब, के जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट पे इनके बड़े गहरे असरात मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि अब जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सख्त मौकफ इख्तियार किया है, और जो है लकीली हमारे साथ इस वक्त जो हमारे चेयरमैन पीसीबी हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, और वो उसी मौकफ को लेकर आगे भी बढ़ रहे हैं कि अगर इंडिया नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया जाके किसी भी आईसीसी के इवेंट में, किसी एसीसी के इवेंट में, व्हीलचेयर टूर्नामेंट हो, विमेंस टूर्नामेंट हो, डिसेबल टूर्नामेंट हो, किसी सूरत में इंडिया भी कभी पाकिस्तान नहीं जाएगा। क्या पाकिस्तान इस स्टांस पे बरकरार रह सकता है? नहीं, देखो अली बात ये है कि मैं तो ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि पाकिस्तान की टीमें जो है, चाहे कबड्डी की हो या आपकी क्रिकेट की हो, कोई भी टीमें हो, वो इंग्लैंड को जाने से नहीं रोकना चाहिए, और पाकिस्तान के लोगों को वहां जाना चाहिए। ये गुडविल जेस्चर होता है, क्योंकि वहां की पब्लिक के ऊपर एक प्रेशर बनता है, एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रेशर बनता है कि देखो पाकिस्तानी तो हर कीमत के ऊपर यहाँ आगे खेलने के लिए तैयार। हाँ, एक फर्क जरूर होना चाहिए कि जो आपके वो लोग वहां जाते हैं उनको किसी के नीचे लगने की जरूरत है, मतलब नौकरी ना बोला हम ना उनकी मिनट करने की जरूरत है, आप जरूर जाए, उनको मना मत करें, वो नहीं आते वो उसके लिए मोहसिन नकवी को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट को सिर्फ एक दफा बताए कि इससे हमें फायदे नुकसान क्या है,
ठीक है, लेकिन सर आप क्या क्या वजह समझते हैं कि पाकिस्तान तो बार बार लचक का मुजाहरा करता है, बार बार क्रिकेट डिप्लोमेसी दिखाता है, चाहे ज़ियाउल हक़ साहब का दौर हो वो क्रिकेट डिप्लोमेसी उन्होंने दिखाई, उसके बाद मुशर्रफ साहब ने भी एक अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ये सब मामला आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन इतनी लचक दिखाने के बावजूद भी, इतनी दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बावजूद भी वो हमेशा हाथ जोड़ते ही नजर आए और हाथ उन्होंने बढ़ाया नहीं है। ये बात ये है कि ये एक जो जो होती है ना, ये हुकूमतों को चलाने जो सियासतदान होते हैं ना, इनके तरीके कार मुख्तलिफ होते हैं, उसमें झूठ भी शामिल होता है, उसमें चापलूसी भी शामिल होती है। मेरा अपने आपकी अकड़ मैं गरूर नहीं कहूंगा, आपका जो आपकी जो ग्रेस है वो कायम रहनी चाहिए, किसी की मिलते तले करने की जरूरत है ये, और हमारे को मीडिया को ये भी शोर नहीं बचाना चाहिए वो ये नहीं आएगा तो हम ये नहीं कर देंगे वो कर देंगे, बिल्कुल नहीं, आप जो क्या रहे उनको बकवास कर देते जो कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपने लेवल के ऊपर करे, क्रिकेट बोर्ड अपने लेवल के ऊपर सिर्फ उनको जाके कह सकता है, आईसीसी में उनके ऊपर जोर नहीं लगा सकता, अगर कोई जोर लगा सकता वो गवर्नमेंट लगा। ठीक है, लेकिन सर अब अगला सवाल ये कि अगर अगर आप होते इस पोजीशन में तो आपका क्या स्टेप होता, क्योंकि अभी आपका मौकफ तो एक आ गया सामने के जाना चाहिए, लेकिन हम बार बार जा रहे हैं और वहां से हमेशा इंकार आ रहा है। तो सर मैं अभी भी कहूंगा कि मैं तो अपनी टीमों को नहीं रोकूंगा जाने से, जरूर जाकर दूंगा, लेकिन वो नहीं जाते मैं उनको बोलूंगा कि हम में जाओ। ठीक ठीक है, और जय शाह जो आईसीसी की सदारत पे फाइज है, जो वाजे तौर पे झुकाव बीसीसीआई की तरफ है, लेकिन क्या उनको इक्वली नहीं देखना चाहिए, जस्टिस के साथ नहीं देखना चाहिए सबको? नहीं यार, अरे नहीं देखे, वो ये लोग हैं आरएसएस वाले, ये है मुशर्रफ वाले, ये लोग मुसलमानों को पसंद नहीं करते, और आपको देख रहा हूँ मुसलमानों के साथ इनिशियली क्या हालत होती, जब इलेक्शन आते हैं तो जो जो भी 10% जो मुसलमान है उनके वोट भी तो चाहिए होते ना, तो ये रियासती काम जो है ना ये ऊपर के कुछ और नीचे से कुछ और, एक वही नजारे जाके आप झूठ बोलने की आपको इजाजत है, और क्योंकि आपको अपने बोले के नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल रखना होता है, तो मेरे लिए ख्याल में इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा हमें बहस करने की जरूरत है, जितना हम उसके बारे में बहस करेंगे उतना उनका दिमाग खराब होता है। ठीक है, लेकिन सर हुकूमत का जो मौकफ आया वो तो यही आया है कि हम किसी सूरत में वहाँ पे नहीं जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल को हम जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इवन यहाँ तक भी सुनने को आया है कि अगर सेमीफाइनल या फाइनल भी अगर इंडिया टकराता है तो हम फिर भी वहाँ जाके खेलने के लिए तैयार नहीं है, तो काफी सख्त मौकफ पहली मरतबा आया है इस तरह का। यार कहने की बातें और होती है, हर वक्त मौकफ आता है, अभी मैं भी तो आपको मौकफ पिछले 8-10 साल से कह रहा हूँ ना, ये मौकफ रियासतों वाला जो है या उनके पॉलिटिशियन तो मुख्तलिफ होता है, और मैं नहीं समझता कि उनको अपना जो है वो रिटर्न नीचे करना चाहिए, लंदन में जाए उनके साथ कोई बात नहीं, एक दफा आपने बता दिया, बाकी आप गो थ्रू आईसीसी, आप जब इनको बोलेंगे कि आप ये काम करें हम उनके जाके मिलते तल्ले करने के लिए तैयार हैं। सही है, और इंडिया अभी जो है वो ओलंपिक के बिड में भी जा रहा है, और आपको पता है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो बिल्कुल खेलों को सियासत से पाक रखने की दाई है, उसकी दावेदार है, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हुकूमत पाकिस्तान को इन खतूत पे भी सोचना चाहिए कि वहाँ पे इंडिया को टफ टाइम दें, कि इनका जो है पोलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है स्पोर्ट्स में बिलखसूस क्रिकेट में कि इनको ओलंपिक की मेज़बानी नहीं देनी चाहिए? मेरी बात सुनो, मतलब ये अब किस चीज़ के ऊपर चल रहा है, अब तुम्हारा मतलब कि हम अगर ये उनको कहेंगे तो हम अपने आप को नीचा नहीं दिखा रहे, और यार झंडे में एक दफा आपको कह दे उनको बोले कि ये है हमें, लेकिन मैं अपनी टीमों को कभी मना नहीं करूंगा वहां जाने से, क्योंकि हाँ उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए, बाकी यार वो आते हैं वो क्रिकेटर्स आना चाहते हैं, एक्टर्स आना चाहते हैं, पाकिस्तान में आके खुश भी होते हैं, हम उनको हमें बहुत अच्छे हैं, मेजबान भी है, तो मेरे लिए ख्याल के ये गवर्नमेंट के मौकफ जो है ना ये सिर्फ कहने के लिए होते हैं, करने के लिए कुछ नहीं होता। जी तौकीर साहब, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे तवक्कुफ लेना होगा, ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया साहब, इनसे हम जान रहे हैं इंडिया के पाकिस्तान ना आने के हवाले से, लेकिन जिस तरह हम रोज़ाना आपको अवाम की राय दिखा रहे हैं, अवाम जो है वो गम गुस्से का शिकार है, अवाम पाकिस्तान में इंडिया को खेलते देखना चाहते हैं, पाकिस्तान में जो है वो अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं, अवाम का इस हवाले से क्या कहना है, आइए वो सुनते हैं। पटौड़ी का तो ऐसा मसला नहीं है, लेकिन वो अपनी बस एक पॉलिटिकली उसको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या आप जो भी कह रहे हैं, जैसे हम गए थे जो हमको उनको भी आना चाहिए, अलग चीज़ है सियासत, अलग चीज़ है, वो चीज़ें चलती रहेंगी, और जो है क्रिकेट एक क्रिकेट है, सियासत अलग चीज़ है, बिल्कुल ना खेले हमारे वाला से, ज़रूरत क्या उनको आने की,
इन लोगों ने अंदर से ही भुगत रखा हुआ है, दुश्मनी रखी हुई है। ये कभी भी नहीं चाहेगा कि हम पाकिस्तान में जाके खेले। अब तो पाकिस्तान में क्रिकेट हो ही रही है, ये तो इंडिया की सियासत है, जानबूझकर इंडिया नहीं आना चाहती। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अगर इंडिया नहीं आए तो भी बायकॉट करते, बोले हम दुबई में नहीं खेलेंगे। अगर इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करना चाहती तो इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करे। कि इसमें भारत की नाकामी है, पाकिस्तान ना आकर भारत जो है वो आप कह सकते हैं कि अपनी सियासत में मर रहा है। ये लगता है कि भारत पाकिस्तान की इतनी स्ट्रांग बॉलिंग से डर गई है तो इस वजह से आना नहीं चाहती। भारत जो है सिर्फ पाकिस्तान से हारने की वजह से जो है ये बहाने तराश रहा है। जी नाज़रीन, आपने सुनी तो आवाम की राय कि आवाम जो है वो नाराजगी का इजहार कर रही है इस हवाले से। तौकीर ज़िया साहब भी अपने ख्याल का इजहार कर रहे हैं। सर ठीक है, इंडिया क्रिकेट बोर्ड जो चाहता है वो उनकी मर्जी, वो फैसला करे, बीसीसीआई जो चाहता है वो करे, लेकिन हमारे अपने मुल्क में भी दानिश कनेरिया जैसे लोग हैं। क्या हुकूमत पाकिस्तान को नेशनल इंटरेस्ट में इस किस्म के बयान देने के बाद कोई सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या आप नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाके बात कर रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो वाली बात यह है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लो, ठीक है, 47 मेरी बात, हमें अपनी मेजोरिटी के साथ वही सलूक करना है जो कि हम मेजोरिटी के साथ करते हैं। ये सही है या गलत है, चाहे वो पारसी है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, वो कादियानी है, वो जो मर्जी हो, बात यह अगर वो पाकिस्तान के मुल्क रियासत का बाशिंदा है तो हमें उनका लुक आफ्टर करना, हमें उनको तहफ़ुज़ देना बहुत जरूरी है। यार आसिफ और ये लड़का जो आपका ये पासपोर्ट है आबिद, ये बकवास नहीं करते पाकिस्तान के खिलाफ, हालांकि सबसे बड़े चोर है, इन्होंने मुल्क का नाम बता दिया हुआ, जब आके टीवी के ऊपर बकवास करना शुरू कर देंगे तो मेरा मतलब अपने लोग जो जो हिंदू या जो नहीं है वो भी यही कर रहे हैं। तो हमें मेरा मतलब हमें अपने खासियात को समझना चाहिए, मुसलमानों के खासियात हमें मतलब इस्लाम से भी और अपने बच्चों ने बच्चे माँ बाप से भी सब कुछ हमने सीखा, इफाक से गिरी बात नहीं करनी। बाकी दानिश के लिए क्या मार्को, मैं उसे एग्री नहीं करता, लेकिन मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौके से भी एग्री नहीं करता कि आप उसको बिल्कुल इग्नोर करें। अगर इग्नोर करते हैं आसिफ को भी इग्नोर करें, सलमान भट्ट को भी इग्नोर करें, बाकी जितने मैच फिक्सर इग्नोर थे उन सबको इग्नोर करें एंड टेल देम गिराज यू आर नॉट वांटेड इन क्रिकेट बोर्ड। लेकिन बात यह है कि हमें अपने बच्चों को तो सीधा आसिफ भी लाना ही है। सही, अब सर जी बात कर लेते हैं सर पाकिस्तान परफॉर्मेंस के हवाले से कि आप ही के दौर में जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी और उसके बाद अब जाके एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान जीता है, तो क्या ये एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर की मुंतजर होती है पाकिस्तान टीम कि अगर पीछे अच्छा चेयरमैन है जब भी जीतेंगे? नहीं अली बेटा, अगर मैं ये कहूँ कि मैं क्रेडिट लूँ कि पाकिस्तान की टीम जो है मेरे जमाने में बड़ा मैच जीती थी तो क्या मैं जाके उधर मैच खेलता था जिताता था? हाँ पीछे से आप बैठ के बच्चों की सपोर्ट करें, उनको सब कुछ वो दें जो कि जायज है, उनको प्यार मोहब्बत से पेश है, बच्चे हैं ना। और दूसरा ये है कि जब शक्ति होती तो माँ बाप आपके ऊपर शक्ति नहीं करते, थप्पड़ भी मार देते हैं, आपको डांटते भी हैं जब आपको गलती करते, तो बच्चे तो ऐसे ही सीखते हैं। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की टीम हमेशा से बहुत अच्छी रही, इसलिए कि हम जब इसमें गड़बड़े करते हैं ना कि उसकी उसके साथ लड़ाई तलाश हो, उसकी उसके साथ जो ग्रुपबंदी बन जाती है, लेकिन कितने साल कराची और लाहौर का मसला था, बहुत साल सारी उम्र ये कराची लाहौर का मसला था, लेकिन अब देखो आपकी टीमें जो हैं जो टीम है क्रिकेट उसमें मेरा ख्याल सतन सीटर से ज्यादा पठान है, तो क्या हम कहेंगे ये पठान और पंजाबी पता नहीं, हम पंजाबी पठान उर्दू स्पीकिंग रोची सिंधी सब एक है और हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को एहसास होना चाहिए कि हम इन लोगों के साथ ज्यादा नहीं करते, हम बड़े हैं और बड़ों का काम जो है वो बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, अगर लीडर ने बनना तो बहुत बड़ा दिल होना, किसी से बदला मत लो। अब आप ये देखो उस बेचारे फसल को मारने को मेरा ख्याल बात कर दी और वो बदले में पता नहीं क्या क्या करना चाहिए, आई डोंट एग्री। अगर मैं लीडर होता तो मैं सबको डांटता, मैं फसल को मारने की बात की बिल्कुल ठीक की है, उसका हक है अपनी आवाज बुलंद करे और हमारा काम है एज लीडर एज बड़े होने से कि हम उनके जो जितने भी उनके शिकायत है उनको हम दूर करें। सही ठीक है, बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे क्योंकि कल मेरे साथ आरिफ अब्बासी साहब मौजूद थे, एक और बड़ा कदावर नाम क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने कहा कि बाबर के साथ सही सलूक नहीं किया, उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, कैप्टनसी उनसे नहीं देनी चाहिए थी। वाली बात ही है, अगर मैं मतलब मुझे बाबर आजम हो गया, बाकी लोग हो गए, शाहीन अफरीदी हो गया, रिजवान हो गए, मुझे इनकी काबिलियत मालूम होनी चाहिए,
बाकी मुझे ये बिल्कुल उनके लेवल के ऊपर जा रही है, कह रहा है कि तुम रिजाइन कर दो, तुम छोड़ दो, तुम ये कर दो, वो कर दो, उससे जो है आप देखो आप अपने बच्चों को अपने खराब कर रहे, और आपका एक रोल है जो कि आप लीडर हो, जब आप बड़े हो, देखो बाबर आजम और मेरे में कितना फर्क होगा जब मैं चेयरमैन था, वो अभी मेरे साथ बच्चे ही होगा जब मैं ऑलरेडी मेरे को 50-60 साल की उम्र में था। तो क्या हम अपने बच्चों को घर में अपने बेटे बच्चों को हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं? नहीं, हम उनको प्यार मोहब्बत से ट्रीट करते हैं ताकि वो कभी आप तकलीफ नहीं करते। हाँ, इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि इतना पैसा इन लोगों के पास आ जाता है बिल्कुल दिमाग खराब हो जाए, उन लोगों को भी बैलेंस रखना चाहिए, भी आपको समझाना चाहिए। मेरे ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, इनकी आपकी जो आप देख रही है जो ट्रेनिंग है जो घर से नहीं मिली उसकी जरूरत है। कोई मतलब जरूरी नहीं है कि मैं जोर नहीं दूंगा कि आपको अंग्रेजी जरूर आनी चाहिए, बट आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आपको साक्षात आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि टेबल पे बैठने मैनर कैसे हैं। ये हम लोगों का काम है एज चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं इन लोगों को राय रास्ते दें और त्याग। सही सर, जाते जाते अगर कोई पीस ऑफ एडवाइस देना चाहें क्रिकेट बोर्ड को, मैं कहूंगा कि आप बड़ा बन के दिखाएं, आप पहले ये खुद सीखें कि आपको करना क्या है। किसी आदमी को ये नहीं कि अगर आपने उसकी उसने आपके ऊपर कोई उंगली उठाई है तो आप उसको मारने चले। यार ये लड़का नहीं था जाकिर, सारी दुनिया उसको नापसंद करती, लेकिन चूंकि लोगों ने उसके साथ डील नहीं किया हुआ। मैं मुझे याद है कि वो मेरे पास जब आता था मेरे मुंह में मुझे कहता था कि सर ये चीज गलत है, इस चीज को ऐसे करना चाहिए। इस किस्म के लोग जो है वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और क्रिकेट बोर्ड के जो वो अपना अहदेदार आना है ना, उनको इस किस्म का रवैया अख्तियार करना चाहिए, उनको उनकी जरूर छोड़ो। मैं समझता हूँ कि जो आदमी आपको आके बकवास करता है या ऊंची जुबान से बोलता है या आपसे किसी भी करता है वो सबसे ज्यादा ऑनेस्ट आदमी हो। ठीक है सर, होते हैं ना ये कभी ऑनेस्ट नहीं। थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन एक डायनेमिक पर्सनालिटी लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया साहब, जो अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे और अपने मौकफ की तर्जुमानी कर रहे थे। आपके इल्म है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान कल सीरीज का पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान माजी में 25 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं, 12 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, 11 T20 इंटरनेशनल मैचेस ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे, एक मैच का नतीजा सामने नहीं आया और एक मैच टाई पर हुआ। ब्रिस्बेन में पहला मैच खेला जाएगा, लेकिन क्रिकेट के शायकीन के लिए एक खराब खबर यह है कि बारिश इस मैच को मुतासिर कर सकती है। लेकिन आपको पता है कि हम जी स्पोर्ट्स में क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों को भी शामिल करते हैं, और प्रणय के इब्तदा में हमने कहा था कि मोहम्मद आसिफ जो है वो फैसलाबाद पहुंच चुके हैं कामयाबी हासिल करने के बाद, चैंपियन बनने के बाद, और उनका वहां पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। इस हवाले से अजीज भट्ट की रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद करने वाले हीरो मोहम्मद आसिफ का शानदार इस्तकबाल। मोहम्मद आसिफ ने दोहा में IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में कामयाबी का तसलसल जारी रखते हुए तीसरी मरतबा वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीता। मोहम्मद आसिफ ट्रॉफी लिए घर पहुंचे तो अहले खाना खुशी से निहाल हो गए। इस्तकबाल के लिए अहले खाना की कसीर तादाद भी घर के बाहर मौजूद थी। मोहम्मद आसिफ का कहना था स्ट्रेस लेवल हाई था मगर जीत पर भी मुकम्मल यकीन था। मोहम्मद आसिफ ने तीसरी मरतबा पाकिस्तान के लिए टाइटल जीता है। सियासी शख्सियत की जानिब से मोहम्मद आसिफ के अहले खाना को आलमी चैंपियन बनने पर मुबारकबाद पेश की गई। कैमरा टीम के साथ अजीज भट्ट, GTV न्यूज, फैसलाबाद। नाज़रीन, ये थी अजीज भट्ट की रिपोर्ट, और मोहम्मद आसिफ इस हवाले से थोड़े से शिकवा कुना भी नजर आते हैं क्योंकि उनको हुकूमती सतह पर इस तरह से नहीं सराहा जा रहा जिस तरह से वो डिजर्व करते हैं और पाकिस्तान के लिए कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। लेकिन जी स्पोर्ट्स हमेशा खेल और खिलाड़ी दोनों के साथ है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी खेल से क्यों ना हो। आज के लिए बस इतना ही, अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।